પ્રવીણ તોગડિયાને મળ્યું છે વધુ એક સમર્થન. અવધૂત રામાયણી આવ્યા છે તોગડિયાના સમર્થનમાં. અખિલ વિશ્વ ગૌ સંવર્ધન ટ્રસ્ટના છે તેઓ અધ્યક્ષ. તોગડિયાના ઉપવાસને તેઓએ સમર્થન આપ્યું છે. ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરવાની તેઓએ માંગ કરી છે અને સાથે ચીમકી આપી છે કે જો રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત નહીં કરાય ગાયને તો પરિણામ ભોગવવા માટે તૈયાર રહો. આ પ્રકારની ધમકી અવધૂત રામાયણીએ આપી છે. टोगड़िया साहब से मिले, बहुत उनको भी प्रसन्नता हुई, हमको भी प्रसन्नता हुई. हिंदू हित रक्षकों के सही मायने में वो हित रक्षक हैं. राम मंदिर के लिए, गौरक्षा के लिए सही मायने में वो इस देश में काम कर रहे हैं और इसलिए हम शुरू से उनके साथ हैं. लेकिन आज हम लोगों ने पूरे दुनिया के गौरक्षकों की तरफ से उनको खुला समर्थन दिया है. पूरे गुजरात से, देश से, दुनिया से जहाँ जरूरत पड़ेगी सभी गौभक्तों गौरक्षकों उनके साथ हैं. जो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना चाहते हैं ऐसे गोपाल मणि जी महाराज से उनकी हमने टेलीफोन पे बात कराई और उन्होंने भी कहा कि मेरा पूरा समर्थन आपके साथ है. भारतीय गौ क्रांति मंच का भी पूरा समर्थन टोगड़िया साहब को मिल रहा है. तो अमदावाद में प्रवीण तोगड़ियाए कर्ण मुक्तेश्वर महादेव ना दर्शन कर्या बाद संघ ना अधिकारियों साथ एक कलाक मीटिंग योजाई थी. बैठक में कया मुद्दाओं अंगे कोई स्पष्टता नहीं थी. बैठक बाद संघना वरिष्ठ नेता हरेश ठक्कर निवेदन करता जणाव्यु छे के तोगड़िया साथे शुभेच्छा मुलाकात थई छे.